लेकिन यदि गहराई से धर्म को समझ लिया जाए, छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। मिलता कि नहीं मिलता? अब ये पुद्गल परिवर्तन बताया, तो पुद्गल से संबंधित जितने उत्तर होंगे वो सारे इसमें समाहित कर लो। अलग अलग प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी ने पूछा, बोले रोटी किससे बनती है, बोले गेहूं के आटे से। पराठा किससे बनता है, बोले गेहूं के आटे से। पूड़ी किससे बनती है, बोले गेहूं के आटे से। बोले खाजा किससे बनते, बोले गेहूं के आटे से। हलवा किससे बनता, बोले गेहूं के आटे से। तो गेहूं के आटे को समझ लो ना, बनाने की विधि अपने आप सीख लेना, जगह जगह लिखी पड़ी है। धर्म को समझ लो तो बाकी उत्तर अपने आप ही मिल जाएंगे। एक पुद्गल को समझ लिया ना, तो आपने सारे संसार को समझ लिया। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, सुख ये किसकी पर्याय है, किस किससे मिलते हैं? मरण सुख पुद्गल का, दुख पुद्गल का संसार में, मरण पुद्गल का, जन्म पुद्गल का, उपकार ये उपकार है। क्या है ये? मरणोपग्रहश्च, ये मरण ये तत्वार सूत्र का सूत्र है ये। यदि आपको अच्छा भोजन मिला तो आपने किससे महसूस किया? भोजन क्या है? पुद्गल है। और जीव क्या है? स्वाद कहाँ आएगा भोजन का? जीव में या हाथ में तो नहीं आएगा। यदि भोजन को हाथ में रखो तो स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। है पीठ में रखो, नहीं आएगा। कहाँ आएगा भोजन का स्वाद? जीव में आएगा। जीव क्या है? पुद्गल है। जीव क्या है? तो किसके माध्यम से पता चला कि अब रसगुल्ला मीठा है? पुद्गल के माध्यम से। तो ये किसका उपकार है? पुद्गल का उपकार है। ठंड लग रही है, शॉल ओढ़ ली, ठंड बच गई। ठंड भी पुद्गल है, शॉल भी पुद्गल है, और शरीर भी पुद्गल है। पुद्गल को ही पुद्गल लगता है, पुद्गल को ही। भगवान को ठंड लगती क्या? नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उनका पुद्गल निकल गया, उनका पुद्गल निकल गया, आठ घर में छूट गए उनके, इसलिए ठंड गर्मी बरसात उन्हें छू ही नहीं सकती है, है ना। सुख दुख, दुख भी किससे महसूस करते हो आप? पुद्गल का ही। धन चला गया, किसका दुख हुआ? पुद्गल का। किसका दुख हुआ? पुद्गल का, है ना। धन आ गया, खुशी किसकी हुई? पुद्गल की। अच्छी साड़ी मिल गई, किसकी खुशी? पुद्गल की। ज्वेलरी मिल गई, किसकी खुशी? पुद्गल की। बेटा आ गया घर में, किसकी खुशी? आत्मा की खुशी नहीं है। देखो आत्मा तो दोनों बराबर है ना, चाहे लड़की की आत्मा हो, चाहे लड़के की आत्मा हो, चाहे चींटी की आत्मा हो, चाहे मक्खी की आत्मा, आत्मा तो सबकी बराबर है ना। एक मच्छर घर में आ जाए तो कभी आपने महसूस किया, अरे चलो एक जीव मेरे घर में आ गया? कभी महसूस किया गया आपने? नहीं। कभी आपके घर में मच्छर हो रहे हों तो आपको, अरे वाह मेरे घर में तो बहुत सारे जीव हैं, कभी महसूस किया? नहीं। घर में चार पांच लड़के या लड़कियां या बच्चे होंगे, अरे मेरे घर में तो चार पांच बच्चे हैं। गिनती कितने की बताओगे? कोई पूछेगा आपके घर में कितने जीव हैं, कितने प्राणी हैं, कितने की गिनती बताओगे आप? मनुष्य की गिनती बताओगे? मच्छर मक्खी की गिनती थोड़ी बताओगे। जबकि आत्मा सबकी बराबर है, शरीर अलग अलग है, है? यदि बेटा आ जाए घर में तो बड़े गर्व से बताओगे, बेटा आया घर में, किसकी खुशी? पुद्गल की। शरीर ये तो है ना, वो तो पुद्गल की खुशी है। लड़की आ गई थोड़ी सी कम, अब तो फिर भी समय बदल गया है थोड़ा सा, पहले के समय में ये ज्यादा था और अब तो फिर भी थोड़ा सा बदल गया, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, है तो अभी भले वो मुंह से कहना बंद हो गया हो, अंदर का सोच बंद नहीं हुई अभी, अभी वो तो है। तो सुख और दुख किसके कारण है? बोलिए, पुद्गल के कारण है। और यदि पुद्गल से मोह कम कर लिया तो सुख और दुख दोनों ही खत्म है। अब महाराज ठंड सहन करते हैं, सर्दियों में ठंड में रहते हैं, तो कष्ट होता है कि नहीं होता? बोलिए, शरीर का तो शरीर में परिवर्तन हो रहा है,
शरीर की चीज तो शरीर को लग रही है, लेकिन आत्मा कहती है ये ठंड जो है ना शरीर को लग रही है, आत्मा को नहीं लगती है। इस भाव का ध्यान करके, आत्मा का ध्यान करके उस ठंड को भी सहन कर लेते हैं। तो इसका मतलब सबके शरीर में ऐसी ताकत है कि वो ठंड सहन कर सके। जब मुनिराज कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्षमता तो है ना, अरे बोलिए ना, क्षमता तो है। लेकिन एक ने पुद्गल को सुख देने के लिए छुपा रखा है और एक ने आत्मा को सुख देने के लिए शरीर के कष्ट को कष्ट नहीं माना, उसे तपस्या माना है, है ना? तो जितना जितना शरीर को सुख देते जाएंगे उतना उतना संसार परिवर्तन, पुद्गल परिवर्तन चलता जाएगा, और जितना जितना आत्मा को सुख देने के भाव आएंगे उतना उतना ये पुद्गल परिवर्तन कम होता जाएगा। जितना जितना आत्मा से प्रेम करोगे तो पुद्गल से अपने आप कम हो जाएगा। पड़ोसी को पड़ोसी मानोगे तो अपने आप ही प्रेम कम हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि ये शरीर क्या है, बोलिए ना, पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी। आत्मा मैं हूँ और शरीर मेरा पड़ोसी है। जब आपको भूख लगे तो क्या कहना है, क्या कहना है आपको? पड़ोसी को भूख लग रही है। जब आपको कष्ट हो तो क्या कहना है? ऐसे घुटने दुख रहे हैं तो क्या कहना है? पड़ोसी का घुटना दुख रहा है। जब आपका सिर दुखे तो क्या कहना है? पड़ोसी का सिर दुख रहा है। सामने वाले को एक बार में तो हंसी आएगी, दो बार हंसी आएगी, वो चिढ़ाएगा भी आपको होगा, लेकिन इससे ये पता चलेगा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। भले ये हंसी का माहौल पैदा कर दे, लेकिन इस हंसी में भी एक तत्व की बात आ जाएगी, एक धर्म की बात आ जाएगी, एक आत्मा की बात आ जाएगी। तो क्षेत्र परिवर्तन, पुद्गल परिवर्तन के बाद कौन सा परिवर्तन है? क्षेत्र परिवर्तन। ये भी बहुत बड़ा, जितना बड़ा एक पुद्गल परिवर्तन है उससे अनंत गुणा बड़ा क्षेत्र परिवर्तन है। और ये परिवर्तन आपने किए कि नहीं किए? जितनी संसारी आत्मा है केवल एक ही काम कर रही है, मगर बात इतनी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम तो केवल इस शरीर में आ गए तो इसको अपना मान लिया, दूसरे शरीर में गए तो उसको अपना मान लिया, तीसरे शरीर में गए तो उसको अपना मान लिया, बस ये ही कर रहे हैं। और ये मोह की महिमा है। किसकी? मोह की महिमा। हमें सच्चाई जान भी लेते हैं तो मानने नहीं देता है। पता चल गया कि ये अलग है, लेकिन एक सेकंड के लिए तो आएगा। जैसे आप बच्चे को जगाओ तो थोड़ी देर को उठता है फिर सो जाता है, ऐसे गुरु ज्ञान देकर के जगाते हैं, एक सेकंड के लिए तो जागते हैं लेकिन जैसे ही वहां से हटे फिर अपनी मोह की महिमा शुरू, ये मेरा, ये मेरा, ये फिर शुरू हो जाते हैं। इसने सुला रखा है आत्मा को। तो इसी तरह से हमने अनंत काल से पुद्गल परिवर्तन कर रखे हैं, है ना? अब क्षेत्र परिवर्तन कल बता दूंगी। अब इतना बड़ा एक परिवर्तन मैंने एक दिन में बता दिया, एक दिन में नहीं थोड़ी सी देर में बता दिया है, है? तो क्षेत्र परिवर्तन के लिए कल चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से तो अभी पुद्गल परिवर्तन ही पूरा नहीं हुआ है, इसकी चर्चा में पता नहीं कितने घंटे निकल जाएं। और ये सब कहाँ लिखा है? सब शास्त्रों में लिखा है। आप सोचते हो साधु संत क्या करते हैं? साधु संतों का स्वाध्याय करना अत्यंत जरूरी है। जब और साधु संतों का क्यों? जो सट आवश्यक है उसमें श्रावक का भी लिखा है कि श्रावक को भी स्वाध्याय करना चाहिए, हैं? ऐसे पंच कल्याणक के आयोजन क्यों किए जाते हैं? वो इसलिए किए जाते हैं कि इन पंच कल्याणक के माध्यम से एक आत्मा परमात्मा बनी है। क्या बनी है? एक आत्मा परमात्मा बनी है। तो उसकी आत्मा से परमात्मा बनने तक की जो यात्रा है वो पंच कल्याणक में दिखाई जाती है। तो पंच कल्याणक को देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, और वो सम्यक दर्शन से ही हमारा संसार कट सकता है।
तो इसीलिए पंच यहाँ जो पंच कल्याणक हो रहा है उस पंच कल्याणक में बड़े ध्यान से देखना। हालांकि वैराग्य के कारण सब तीर्थंकरों के अलग अलग हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पंच कल्याणक पहली बार हो रहा है। ये पंच कल्याणक पहली बार यदि आप बैठोगे, भाई लगता ना कोई कहता भाई हमने तो आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक देखे, कुछ देवता हैं जो आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक में गए होंगे, हैं कुछ देवता अजितनाथ में, आना जाना आयु कर्म के हिसाब से क्रम तो लगा रहता है ना। तो इसी तरह से आपने बहुत सारे तीर्थंकरों के पंच कल्याणक किए होंगे, लेकिन अभी मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पंच कल्याणक नहीं किया होगा। और भगवान से प्रार्थना करो कि 24 तीर्थंकर के पंच कल्याणक हों और हम सबके पंच कल्याणक करें, ऐसी शक्ति मिले, ऐसी भक्ति मिले, ऐसे भाव मिले कि हम 24 तीर्थंकर के पंच कल्याणक में बैठें। आपके भाव है कि नहीं है? क्या करें, ठंड बहुत पड़ेगी, कैसे बैठ पाएंगे? इस पुद्गल को बचाने के लिए जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज यहाँ इस ठंड में आ रहे हैं, तो तुम क्यों कमजोर पड़ रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री पंच कल्याणक में यहाँ पर आ रहे हैं, मुनिराज हैं, तन पे कपड़े नहीं है, जब इतनी ठंड में वो यहाँ पंच कल्याणक में आ सकते हैं, तुम्हें तो गाड़ी में आना है, वो तो पैदल चल के आ रहे हैं, आपको तो गाड़ी में ठंड लग रही है। और जब आचार्य श्री स्वयं पंच कल्याणक के पंडाल में बैठेंगे तो आपको तो यहाँ कपड़े पहना के बिठाया जाएगा, अपने घर से इनर ले आना, ऊपर की इनर, नीचे की इनर, कान में बांधने का ले आना, शरीर में जितने कपड़े पहन सकते उतने पहन लेना, मगर आ तो जाना। इस ठंड का ध्यान करके अपने पुद्गल को घर में मत बिठा लेना, इस शरीर के पुद्गल के कारण से आत्मा को यहाँ के पंच कल्याणक दिखाने से छोड़ मत देना। ये मौसम परिवर्तन तो चलता रहेगा, अनंत काल से चल रहा है, चल रहा था और चलेगा। इस घर के अंदर कब तक बैठे रहोगे, कितने दिन तक बैठे रहोगे, बोलिए? जिस घर के अंदर आप छुपकर बैठ रहे हो ठंड में, वहां कब तक बैठे रहोगे, कितने साल बैठे रहोगे? एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, जब वहां छोड़ नहीं है तो इन दिनों में भी छोड़ लेना। कुछ लोग कह रहे 7 दिन तक कैसे होगा, अरे पुण्य समझो कि 7 दिन का पंच कल्याणक है। और 7 दिन का क्यों? गर्भ कल्याणक तो 1 तारीख को शुरू होगा, 2 तारीख को गर्भ, 2 दिन, 1 दिन सपने दिखाएंगे, 1 दिन फल बताएंगे। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक 3 तारीख का है, तप कल्याणक 4 तारीख का है, प्रतिमाएं अधिक होने के कारण ज्ञान कल्याणक 2 दिन का रखा, क्योंकि क्रियाएं करना और उन पर अंकन्यास आदि करना वो भी जरूरी है, तो इसलिए वो 2 दिन का रखा है। अब मोक्ष कल्याण के दिन सुबह सुबह का मामला हो जाएगा, तो 5 ही दिन का तो, 6 ही दिन का तो हुआ, कहाँ 7 दिन के हुए। अब भाव तो बनाओ, ये पुद्गल तो अपने आप चला आएगा। भाव आत्मा को बनाने हैं। सर्दी कब तक लगती है? जब तक भाव में सर्दी लग रही है। और भाव की सर्दी गई, अच्छा आप सुबह उठते हो तो रजाई छोड़ने के कितनी देर बाद तक ठंड लगती है? 2 मिनट, 5 मिनट, 5-7 मिनट ठंड लगती है। जब तक छोड़े हैं, थोड़ी सी हटाओ, ठंड लग रही, फिर ओढ़ लिए, फिर हटाओ, ठंड लग रही, फिर ओढ़ लिए। अब छोड़ना तो पड़ेगा, 24 घंटे तो बैठे नहीं रह सकते हैं, अब छोड़ ही दी, चलो अब तो 8 बज गए, अब तो उठना ही पड़ेगा। अब उठने के बाद फिर कितनी देर ठंड लगती है? इस टेम्परेचर से और शरीर का टेम्परेचर बराबर हुआ, ठंड बंद हो गई। जब तक शरीर को ढक रखा है ये ठंड तभी तक लग रही है, और इसके जैसे ये टेम्परेचर पांव जब जमीन में रखते हो तो ठंडा लगता है, और टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाए तो फिर नहीं लगता है। तो ठंड के कारण से आप इस पंच कल्याणक में आना मत छोड़ना, आपको आना जरूर है। और मैं तो कहूंगी कि भगवान के पंच कल्याण, आपको तो कुछ भी नहीं करना है, थाली लगी लगाई मिलेगी भोजन की, हाँ थाली लगी लगाई मिलेगी, और पूजा में बैठोगे तो पूजा की थाली लगी लगाई मिलेगी। यहाँ तो ठंड से और बच जाओगे, घर में तो फिर भी 10 काम करने पड़ते हैं, मंदिर जाओगे तो वो भी 1/2 किलोमीटर है, यहाँ तो पंडाल के पास में ही कमरे बने मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ठंड घर में ज्यादा लगेगी, यहाँ कम लगेगी आपको,
तो आप पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी जरूर बनकर के बैठे। मेरी ऐसी भावना है कि अपने जीवन में मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी जरूर बनना है। आपने महिमा देख ली मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, 5 साल से देख रहे हैं कितनों के साथ में अतिशय हुआ है। तो जब आपने भगवान की महिमा देख ली है तो उनके क्या भगवान की पंच कल्याणक की पूजा नहीं करोगे? करनी है, सबको करनी है भगवान के पंच कल्याणक की पूजा। ये मत सोचना जब स्वर्ग का इंद्र धरती पर आ सकता है भगवान के पंच कल्याणक के लिए, तो क्या आप अपना घर छोड़ के 7 दिन के लिए यहाँ नहीं आ सकते? यदि आपको स्वर्ग भेज दिया जाए फिर कहा जाए पंच कल्याणक में आइए, आओगे कि नहीं आओगे? अब कौन स्वर्ग छोड़े, हमें तो नहीं जाना है। नहीं, जब तुम यहाँ का घर नहीं छोड़ पा रहे हो तो स्वर्ग कैसे छोड़ोगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इंद्र इंद्राणी बनकर आपको पंच कल्याणक में जरूर बैठना है। कहाँ कहाँ से आए सब लोग? लखनादौन। प्रश्नों में कौन का, लेने में मौन का, और आने वालों में लखनादौन का। और कहाँ से आए? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। हाँ, आप कहाँ से हैं? नैनवा। सर्दी की हवा का, सर्दी की हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में नैनवा का। मदर टेरेसा जबलपुर। मदर टेरेसा, अच्छा अच्छा। सुधरने में दशा का, रात्रि में सोने में निशा का, और आने वालों में जबलपुर मदर टेरेसा का। बड़ा ही बामोर कला। करने में भला का, करने में भला का, गाने में गला का, और आने वालों में बामोर कला का। बड़ा ही महत्व है, है? बिहार। बिहार में कहाँ से? मधुबन, मधुबनी। अच्छा, हीरे की कनी का, हीरे की कनी का, बारात में बनी का, और आने वालों में बिहार मधुबनी का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में बारा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? हाँ बोलिए। अहमदाबाद। होने में आवाज का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। मुजफ्फरनगर। जहाजपुर का भी बता दो। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। मुजफ्फरनगर माता जी। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। देने में दाद का, भोजन में गाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 2400 भगवान की।